ग्रिड लॉकिंग तकनीक में सॉइल फर्टिलिटी और वाटर कंजर्वेशन ये दो सिस्टम डेवलप किए हैं। वो दो सिस्टम के लिए पहला काम हम करते हैं ज़मीन तैयार करने का। तो हम इस हल से सिंगल डबल उसकी जुताई करते हैं, सिंगल में ऐसा चलाते हैं, डबल में ऐसा लेते हैं, तो इससे ज़मीन हम बना लेते हैं। इसके बाद में हैरो चलाते हैं उसके ऊपर और ज़मीन प्लेन ज़मीन बनाते हैं। वो प्लेन ज़मीन के बाद वो प्लेन ज़मीन पे फिर हम लोग उसके ऊपर ग्रिड बनाते हैं। इसमें बेड के नाम है अलग अलग राज्यों में, तो वो बेड बना के वो बेड को लॉक करते हैं। वो सारा काम हम बैलों से करते हैं। तो पहले हमने ज़मीन जुताई करके प्लेन ज़मीन बना ली। अब प्लेन ज़मीन इस टाइप की प्लेन ज़मीन बनती है। ये इस टाइप प्लेन ज़मीन बना ली पूरी, और ये प्लेन ज़मीन बना के अब हम जो देख रहे हैं वो वहाँ पे ग्रिड लॉकिंग का काम चल रहा है। तो वो बैलों से ही हो रहा है। तो सारे काम बैलों से होते हैं, सिर्फ एक आदमी उसको संचालन करता है। तो लो कॉस्ट में इसका पूरा लैंड प्रिपरेशन होता है, उसके अनेक लाभ होते हैं। इसको हम यहाँ की भाषा में डौरा बोलते हैं। ये डौरे को हमने क्या किया, ये उसको नीचे जो लोखंड की पट्टी लगी है वो 12 इंच की है, और उसको फिर रस्सी बांध दी, तो उससे फिर मेड़ बनती है, उससे डोली बनती है। अब वो डोली बन गई तो वो डोली को फिर लॉक करते हैं। पहले राउंड में इससे डोली बना लेते हैं पूरी। डोली बनाने के बाद फिर दोबारा चलाते हैं उसी में से, और हर 8-8 फीट के ऊपर उसको उठाते जाते हैं, तो वो ज़मीन लॉक होती जाती है। अब वो कैसे लॉक हो रही है अब ये आप देखोगे। तो पहले स्टार्ट में ऐसी सीधी लाइनें बना ली इसकी, ये सीधी डोलियाँ बन गई इसकी। ये डोलियाँ बनने के बाद दोबारा कोई मानवीय श्रम की ज़रूरत नहीं, ये बैलों से ही ये पूरी लॉक हो जाएगी। ये लॉक होने से हमारा एक वाटर कंजर्वेशन का और सॉइल कंजर्वेशन के दोनों हेतु साध्य हो जाते हैं। यानी हमारी मिट्टी बह के नहीं जाती और पानी जगह पर रुक जाता है। वो पानी का घनी इतना हैवी है कि हम लोग अगर ऐसे पानी को बचाना सीख गए तो हम अपने देश को बहुत ताकतवर बना सकते हैं। देखिए अब इसकी डोली को लॉक करते जाएगा। ये लॉक करने से कैसा लॉक होता है 8-8 फीट पे, ये आपको दिखेगा। अभी हमने देखा कि वो कैसे लॉक कर रहा है। लॉक करने के बाद टोटल प्लॉट देखिए इस टाइप का बन जाता है, ये पूरा प्लॉट। अब ये पूरे प्लॉट में लॉकिंग हो गई है। अब इसमें बीज की बुआई होगी इसके बाद में। तो इसमें एक ये होगा कि बारिश अगर तेज आ जाए तो भी हमारा बीज बहके नहीं जाता, दबता नहीं है मिट्टी में। इस तरह से जो 20-25% बीज दबने से लॉस होता है प्रोडक्शन में, वो लॉस रुक जाता है इस तरह से लॉकिंग से, क्योंकि वो सब हाइट पर है इसीलिए वो बीज बहके नहीं जाता। पहला लाभ तो ये हुआ हमारा। अब इसकी गहराई अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट बना दिया, तो इसकी गहराई करीब 8 इंच ये गहरा है। अब 8 इंच ये गहरा है, इन्हें 4 इंच भी अगर बारिश होती है, यानी करीब 10 सेंटीमीटर भी बारिश होती है, तो इसमें का पानी बह के नहीं जाएगा। यानी वो पानी 100% वहीं स्टॉप हो जाएगा और वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा। ये कौन से खेती में कन्वर्ट होगा, जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग है, जहाँ पे पूरे जीवों के द्वारा हम लोग उनके मदद के द्वारा खेती करते हैं, वो ज़मीन में ये पानी ग्राउंड वाटर में होता है। केमिकल फार्मिंग में क्योंकि चूँकि जीव व्यवस्था नहीं है तो ज़मीनों में छेद नहीं होते, छेद नहीं हुआ तो पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट नहीं होता। तो केमिकल फार्मिंग के पानी से हम लोग फसल को ख़राब कर सकते हैं, लेकिन इसमें फसल भी उम्दा आती है और वो पानी भी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है। इस तरह से हम लोगों का दो उद्देश्य साध्य होते हैं। पहला उद्देश्य ये साध्य हुआ कि हम लोगों ने यहाँ के पानी को जगह पे रोक लिया तो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ। दूसरा, उसी पानी की मदद से अगर 15 दिन सूखा भी चले जाए तो वहाँ नमी बने रहती है और फसल उस पर ज़ोरदार आती है। अगर सूखा हो जाए, 15 दिन बारिश ना हो, तो भी वो सर्वाइव करता है वहाँ पे बीज। इस तरह से वो एक लाभ हुआ पानी का। फिर बीज जो अंकुरित हुआ है उसको नमी लगातार मिलते रहती है, दूसरा लाभ, तो उससे पैदावार हमें अच्छी मिलती है। तीसरा लाभ, हमने इस तरह से पानी को रोक लिया तो हमारी मिट्टी जो प्रति हेक्टर
15 से 20 टन प्रतिवर्ष बह के जाती है, यहाँ एक किलो भी मिट्टी हमारी बह के नहीं जाती। तो तीसरा लाभ हुआ कि सॉइल कंजर्वेशन भी हुआ, यानी वाटर कंजर्वेशन भी हुआ, सॉइल कंजर्वेशन भी, ये दोनों लाभ इसमें मिलते हैं। अब इसके ऊपर हम इसमें बीज कैसे बोते हैं उन तकनीकों को देखेंगे। उसके पहले मैं इसका पूरा अर्थशास्त्र बताता हूँ कि हमें इसमें लागत क्या आती है। इस तकनीक को हमने इस्तेमाल जो किया है उसमें अब हमें इसमें दो उद्देश्य है हमारे, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना। तो सॉइल फर्टिलिटी के लिए हम एक तुअर के साथ ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं। वो कैसे बुआई करते हैं उसका बाद में बताते हैं, लेकिन पहले हमारा इसमें लागत अभी तक कितनी आई। तो हमने हल चलाया, वो हल चलाने में करीब 1200 रुपये प्रति एकड़ का खर्च हमें उसका लगा, और 600 रुपये हैरो चलाने का, 1800 रुपये में हमारी ज़मीन की जुताई ये होगी। और जो ग्रिड लॉकिंग किया उसको इन बैलों से हमारा 600 रुपये की इसका खर्चा आया, तो 1800 से 2400 रुपया ये हमें लागत लगी इसमें ज़मीन तैयार करने से ग्रिड लॉकिंग करने तक। तो 2400 रुपये में हम यहाँ पे एक हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर बारिश यहाँ हो जाएगी तो हम करीब 1 लाख लीटर पानी ज़मीन पे गिरता है, 20% उसका अगर बाष्पीभवन भी होगा तो 80,000 लीटर पानी हम यहाँ ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर बारिश में। अब हमारे यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो 100 सेंटीमीटर बारिश में हम 80 लाख लीटर पानी ग्राउंड वाटर में प्रति हेक्टेयर यहाँ ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला लाभ हमको उसका मिला, 2400 रुपये लागत से हमने अपनी पैदावार को दोगुना कर दिया, सॉइल कंजर्वेशन किया, पानी को ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया, और 80 लाख लीटर पानी का हमने ग्राउंड वाटर में कंजर्व करके पानी की ताकत बनाई। इस तरह से मिट्टी की ताकत बनाने के लिए हम फिर इसमें अलग अलग बीजों का मिश्रण करते हैं। वो बीजों में 3 किलो उड़द लेते हैं, 3 किलो बरबटी लेते हैं, 1 किलो बाजरा लेते हैं, 1 किलो ज्वार लेते हैं, और उसमें 200 ग्राम तिल लेते हैं, और 6 किलो बोरू का बीज लेते हैं या धैंचे का बीज लेते हैं, बोरू या धैंचा कोई भी एक 6 किलो वो बीज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम लोग 6 और 2 8 और 6 14 किलो 200 ग्राम ये बीज का इस्तेमाल करते हैं। उसकी टोटल लागत अगर हम एवरेज के उसके रेट 80 रुपये किलो भी अगर हम बाजरे का, ज्वार का, तिल का, बोरू का, दालों का रेट ज़्यादा इसलिए एवरेज में 80 रुपये हम काउंट करते हैं, तो 1100 के लगभग हमारा वो ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए बीज का खर्चा आता है। लेकिन वो ग्रीन मैन्यूरिंग से हम लोग 10 ट्रॉली गोबर खाद की इतना वहाँ पे कचरा पैदा कर देते हैं, वो कचरे से फिर हमारा ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप होता है। लेकिन उसके साथ हम तुअर लगाते हैं, तुअर की फसल लेते हैं जिसे अरहर भी कहते हैं, तुअर लगाते हैं। तुअर में हम लोग 2 लाइन तुअर की और 3 लाइन इसकी ग्रीन मैन्यूरिंग की, 1 लाइन मक्का की लेते हैं। इस तरह से वो सारा ग्रीन मैन्यूरिंग जब वहाँ मल्चिंग कर देते हैं तो तुअर की पैदावार बढ़ जाती है। यानी हमने 2400 रुपये पहला हमारा लैंड प्रिपरेशन में खर्च हुआ, बाद में हमने बीच में 1100 रुपये किया, तो 3500 की लागत में हम लोगों ने जमीन की बैग बढ़ा दिया। अभी हम लोगों ने वो ग्रिड लॉकिंग की तकनीक को देखा है, हम लोगों ने उसमें जो खर्च किया वो खादों पे किया, वो ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाने पे खर्च किया है। अब दूसरा फर्टिलिटी बढ़ाने का, यानी हमारे सामने एक चैलेंज है, हमारे देश का ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन ये 0.4 के नीचे चले गया है, उसको अगर हमको एक ही साल में अगर उसको बढ़ाना है तो हमें उन तकनीकों को विकसित करना पड़ेगा। उसमें हमने क्रॉप के साथ ग्रीन मैन्यूरिंग ये तकनीक विकसित की है ग्रिड लॉकिंग प्रणाली में। तो हम उसमें अरहर की फसल लेते हैं, अरहर की फसल के साथ हम एक नए प्रकार का ग्रीन मैन्यूरिंग बनाए, वो ग्रीन मैन्यूरिंग में 5 प्रकार के अनाज एकत्रित करके उसको मिला के उसको बोते हैं। तो उसमें पहला हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया धैंचे का, ये धैंचा लिया, धैंचे के साथ हमने उड़द को जोड़ा है, साथ में हमने ये बरबटी को जोड़ा है, साथ में हमने ये बाजरे को जोड़ा है, साथ में हमने ये ज्वार को जोड़ा है। अब ये ज्वार और बाजरा ये जोड़ने का कारण क्या है, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और बायोमास भी इससे मिलेगा, ये बहुत बड़े पैमाने पे हमको बायोमास देगा, ये बहुत बड़े पैमाने पे हमको बायोमास देगा, ये बहुत बड़े पैमाने पे, तो बोरान की डेफिशिएंसी हम इससे दूर करेंगे, ऐसी कई डेफिशिएंसियां इन पांचों इससे मिश्रण से मिलेगी। अब हम इसको सबको एक जगह मिश्रण करके
तीन लाइन इसकी बोते हैं, दो लाइन तोर की लगाते हैं, तो तीन लाइन इसकी बो के इसका मल्चिंग जब कर देते हैं तो वो 9 इंच का मल्चिंग बनता है, एक ही साल में वो सॉइल फर्टाइल बन जाती है 9 इंच के लेयर से। अब वो 9 इंच का लेयर मिल गया, इतना तो गोबर खाद हमें नहीं मिलेगा, तो गोबर खाद का ये ऑप्शन है इस टाइप का ग्रीन मैन्यूरिंग। फिर इसके ऊपर हम गोसंजीव खाद का छिड़काव कर देते हैं, वो गोसंजीव खाद का छिड़काव किया तो वो लिक्विड मैन्यूर है, वो लिक्विड मैन्यूर गाय के गोबर से बना हुआ है, वो जब इसमें मिल जाता है तो इसको पूरा खाद में कन्वर्ट कर देता है और ये मल्चिंग भी होता है। इसका क्रॉप का मल्चिंग होने की वजह से ये लाभ होता है कि पानी का बाष्पीभवन नहीं होता और बहुत बड़े पैमाने पर फर्टिलिटी पहले एक ही वर्ष में इसका ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप हो जाता है। तो हम 0.4 से हमें अच्छा उपज के लिए 0.7 के ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, तो नियर अबाउट ये 1% के करीब इसका ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप हो जाता है एक ही साल में, यानी 0.4 से 1 तक हम इसके ऑर्गेनिक कार्बन को ले जा सकते हैं इन प्रणालियों से। तो अब ये बीज हम सब एकत्रित करके इसको मिक्स करेंगे। एक जन है क्या आखिर तुम से देश भर फोटो वाला पाजी सत्य का टी तो जमीन है अर्धा अर्धा बस हाँ टी पूर्ण पूर्ण हाँ तो पूर्ण बाकी सब पूर्ण था ज्वारी पूरी था ते धैचा टाकून बसली तिथे दुसरं पाहिजे। अब ये सब हमने एक जगह डाल दिया, अब इसका पूरा मिश्रण करेंगे और इसकी तीन लाइन की बुआई करेंगे। अब वो बुआई करने का तरीका क्या है वहाँ पे जाके आगे देखेंगे। मिश्रण का चुंबड़ी घोर हो गया अब इन बीजों में खर्च कितना आया है तो इसमें हम लोगों को ₹240 ये हमको लगा है उसका। हाँ ₹240 लगा है बीज गोरू के बीज का खर्चा। बाद में बरबटी हमने ₹180 की बरबटी इसमें डाली है, साथ में उड़द ये 3 किलो उड़द डाला है, 3 किलो बरबटी डाली है, तो 3 किलो उड़द 3 किलो बरबटी और 6 किलो ढेचा। 3 किलो उड़द के ₹480 उड़द के लग गए। बाद में 1 किलो बाजरा लिया, ₹30 का बाजरा लगा, 1 किलो ज्वार ली, ₹30 ज्वार के लग गए। इस तरह से सबका जो योग बना ₹960 ये कुल लागत आई इस बीज को बनाने के लिए। सॉइल फर्टिलिटी यानी हम राउंड फिगर में इसको पकड़ते हैं ₹1000 के करीब ये बीजों का ये खर्च हुआ। तो इसमें कौन कौन से बीज इस्तेमाल किए, 3 किलो उड़द का बीज इस्तेमाल किया, 3 किलो हमने बरबटी का बीज इस्तेमाल किया, 6 किलो धेंचा इस्तेमाल किया और 1 किलो बाजरा लिया और 1 किलो ज्वार लिया। इस तरह से ₹1000 में ये हमारा 10 ट्राली गोबर के खाद के बराबर ये हमारे यहाँ इसका खाद बन जाएगा। वो खाद को हम गोबर खाद के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अलग गो संजीव खाद का उसके ऊपर छिड़काव करेंगे। तो 1000 में हम 10 ट्राली यानी एक साल में ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप करना, ये एक जो चैलेंज है वो चैलेंज को सॉल्व करेंगे हम इसके ये तरीके से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये 3 लकड़ियाँ गाड़ी है हमने, या इधर ये 3 लकड़ियाँ गाड़ी है, ये मार्किंग है हमारा, ये इसमें हमें 2 में तुअर लगाना है, 1 में मक्का लगाना है और ये 3 लाइन में हमें ग्रीन मैन्यूरिंग करना है। और वो ग्रीन मैन्यूरिंग का सीड हम कैसे डालते हैं तो हमने इसमें रोज़गार दिया है, हमने हाथों से इसको डाला है, हाथों से दिया तो हमारे बहनों को रोज़गार मिला, रोज़गार मिला तो उनकी माली हालत सुधरेगी और हमारा भी काम परफेक्ट होगा। अब ये 3 लाइन है इसके ग्रीन मैन्योरिंग के, बाद में इसी को मल्चिंग कर दिया जाता है। अब ये लॉकिंग रहने की वजह से हमारा पानी भी रुकता है और ये मल्चिंग हो गया तो फिर पानी का बाष्पीभवन, तो उसकी नमी, तो हमें पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होता, फिर इसको इरीगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नमी से ही तुअर की फसल पक जाती है। इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी पानी। तो अब ये बीज हमारे बहनें कैसे डालती हैं ये आपको लाइव दिखेगा। नहीं जमा डाला पाँच
अब ये इस तरह से इन्होंने बीज डाल दिया और बीज को ये झांकते हुए आ रहे हैं, यानी हाथों से ही बीज को भी झांक दिया इन्होंने। इस तरह से ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। ये सब क्रिया प्री मानसून की है। अभी तक के खर्च के हिसाब में हमने जो देखा तो हमने 11,500 रुपये तक का करीब गोबर का खाद और लैंड प्रिपरेशन पे हमने खर्च किया है। इसके बाद में हमारा जो अभी ये खर्च हुआ बीज डालने का, वो 1,000 रुपया प्रति एकड़ का खर्च आया है। इस तरह से 12,500 रुपया प्रति एकड़ का खर्च हो गया है और यहाँ हमारा खर्च अभी रुक गया है। अब हम जब निंदाई करेंगे उसमें कि घास वीड्स निकालेंगे तब हमें खर्च लगेगा, उसका फिर जब जितना खर्च आएगा वो बाद में हम उसको ऐड करेंगे। इस तरह से अभी तक हमने 12,500 रुपये में लैंड पूरी तरह से तैयार करके क्रॉप पूरा सोइंग कर चुके हैं।